नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया आतिक के भाई अशरफ को लाया जा रहा प्रयागराज। कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली जेल से अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां माफिया आतिक के भाई को अब यहां प्रयागराज लाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि माफिया अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज अशरफ को यहां पर लाया जा रहा है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के पुलिस ने चारों तरफ से व्यवस्थाएं कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बरेली जेल से अशरफ को अब प्रयागराज लाया जा रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के साथ अशरफ को प्रयागराज लाया जा रहा है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उसके साथ ही प्रयागराज जो है वो अशरफ को लाया जा रहा है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है प्रयागराज में, व्यवस्थाएं किस प्रकार से और कब तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि अशरफ को प्रयागराज लाया जाएगा? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि माफिया आतिक अहमद और उसके भाई जो अशरफ जो बरेली जेल में बंद है, उसको प्रयागराज पुलिस रिमांड पे लेकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि माफिया आतिक अहमद के भाई जो बरेली जेल में विधायक अशरफ जो बंद है, जो पूर्व विधायक है, उसको प्रयागराज पुलिस की टीम प्रयागराज ला रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको प्रयागराज लाया जा रहा है। बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद उसको बरेली जेल से प्रयागराज के लिए प्रयागराज पुलिस लेकर रवाना होगी। बात की जाए तो 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में लेकर उसको उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि अभी किसी भी तरीके कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्र जो बताते हैं कि उसको कुछ देर बाद बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में वो नामजद है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उसका जो लगातार आपराधिक इतिहास है, हालांकि जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें भी नामजद है। माफिया एंड फैमिली जो आतिक अहमद की फैमिली है साहिता परवीन, उसको लेकर लगातार फरार वो लगातार फरार है। उसको लेकर लगातार प्रयागराज की पुलिस जो प्रयागराज के गंगा पार इलाके में नवाबगंज इलाका है वहां के कछारी इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है। वही बात की जाए तो जो 5 शूटर हैं जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम है, उनको लेकर लगातार प्रयागराज पुलिस छापेमारी कर रही थी। वहीं बात की जाए तो प्रयागराज की एक टीम मेरठ में भी मौजूद है, जो लगातार वहां पर छापेमारी कर रही है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की वहां पर लोकेशन मिली है। तो साफ तौर पर प्रयागराज पुलिस अब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। जिस तरीके से अब से कुछ ही दिन पहले माफिया आतिक अहमद और जो उसके भाई बरेली जेल में बंद जो अशरफ है उसको लाया गया था प्रयागराज, हालांकि उमेश पाल अपहरण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के जो न्यायाधीश थे डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, उन्होंने जो साक्ष्यों के आधार पर माफिया आतिक अहमद के भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया था। हालांकि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में माफिया आतिक अहमद का भाई जो अशरफ है वो नामजद है, तो उसको लेकर प्रयागराज पुलिस अब पूछताछ कर सकती है। जी बिल्कुल विकास, देखिए आपने तमाम जानकारी यहाँ पर साझा की। हालांकि अगर बात यहाँ पर की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अशरफ को लाया जा रहा है तो चारों तरफ सुरक्षा के इंतजाम जो है वो पुख्ता हो। तो बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है, काफी लंबा ये दूरी है, काफी लंबी, जिसको तय करना है पुलिस को पूरी सुरक्षा के साथ। तो इंतजाम किस प्रकार से है और जब प्रयागराज पूरा काफिला पहुंचेगा तो प्रयागराज में किस तरह की स्थिति? देखिए, लगातार जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले माफिया आतिक अहमद के भाई जो अशरफ है उसको प्रयागराज लाया गया था, बात की जाए तो प्रयागराज की भी पुलिस जो है वो लगातार स्पॉट करके ला रही थी। वहीं प्रिजन वैन में उसको एक जो प्रिजन वैन है उसमें बैठा कर नैनी सेंट्रल जेल लेकर आई थी। जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम होंगे। बरेली से निकलते ही जो तमाम जनपद हैं जो
लखनऊ से लेके रायबरेली कई जनपदों से जो काफिला उसका गुजरेगा वहां की पुलिस उसको स्कॉर्ट करेगी। बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच उसको प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि अभी किसी भी तरीके कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि उसको नैनी सेंट्रल जेल रखा जाएगा या फिर प्रयागराज पुलिस उसको पुलिस लाइन में रखकर उससे पूछताछ कर सकती है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया विकास।